हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हरियाणा जुडिशरी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर हरियाणा जुडिशरी। तो करें शुरू। मार्क्स रिस्पेक्टिंग आज के जो हैं हम सीआरपीसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे डेली बेसिस पर। रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डीमेन्योर। डीमेन्योर होता क्या है भैया, व्हाट इज दिस डीमेन्योर? डीमेन्योर इज बेसिकली द कंडक्ट ऑफ विटनेस। कंडक्ट ऑफ विटनेस इज प्रोवाइडेड इन विच प्रोविजन? तो भैया हाव भाव बेसिकली आप अगर हिंदी शब्द का मैं प्रयोग करूं तो यहाँ पर हिंदी में हम कहते हैं इसको आचरण। तो आचरण की बात कौन से प्रोविजन में करता है? 280 जो है सीआरपीसी का करता है। नो अपील इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इनमें से किस केस में अपील नहीं जाएगी? हाईकोर्ट पासिस अ सेंटेंस 1 साल से 10,000 रुपये तक का फाइन। मजिस्ट्रेट जेएमआईसी जो है ओनली पासिस अ सेंटेंस ऑफ फाइन ₹100। When the court of session passes a sentence of maximum 6 months or with fine ₹2,000 and all of the above, तो what will be the correct answer? इसका जवाब आप मुझे comment section में ज़रूर देंगे। PDF के लिए क्या करना है, Telegram group को join करना ही है। आते हैं next question की तरफ। Appellate court may take further evidence or direct it to be taken, which court is authorized to do so? कि भैया अपीलेट कोर्ट जो है वो खुद से भी एविडेंस ले सकती है और अपने सबॉर्डिनेट को भी डायरेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर कौन? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज अंडर चैप्टर 30 इज गिवन इन विच सेक्शन? एडिशनल सेशन जज की जो बात है वो कौन से सेक्शन में की गई है चैप्टर 30 की? तो भैया आँख बंद करके जो है 400 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील? इनमें से किसके पास पावर है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं या अपील के लिए? सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी। हाई कोर्ट, हाँ जी। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इरेगुलरिटीज विल नॉट विशिएट द ट्रायल? कुछ इरेगुलरिटीज ऐसी होती हैं जो विशिएट करती हैं, ट्रायल पर इफेक्ट डालती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रायल पर इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो इनमें से कौन सी है? डिसाइड एन अपील। भैया अपील की पावर नहीं है आपकी और आप अपील डिसाइड कर रहे हो, तो भैया दैट विल विशिएट टू मेक ओवर द केस। भैया ये वाली जो है ऐसी है जो कि आप अगर आपके पास पावर भी नहीं है, आपने मेक ओवर कर दिया, देन ये तो है ये विशेट नहीं करेगी, लेकिन ये करेगी। मेक एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी एंड डी ऑफ चैप्टर 10। भैया ये तो आप ऑथराइज नहीं है एंड यू आर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 10, तो भैया दैट इज बेसिकली वो तो विशेट करेगा ट्रायल को, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी टू मेक ओवर अ केस अंडर 192 क्लॉज नंबर 2। द कोर्ट मे एग्जामिन द एक्यूज्ड पर्सनली, तो एक्यूज्ड को एग्जामिन कब किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट कहाँ से आ गए भैया, कोर्ट कहाँ से आ गया? इंक्वायरी में, हाँ जी कर सकते हैं। ट्रायल में, हाँ जी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, मैरिज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं वो कौन से प्रोविजन में दे रखे हैं? 196, 197, 198, 199, इनमें से कौन से प्रोविजन में? 198 विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज़ ऑथराइज टू विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इनमें से कौन ऑथराइज है कि वो प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ जी ऑथराइज है। कौन सा सेक्शन है बताइए, 320 में है या 321 में है? अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑथराइज हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन की अपील किसके पास जाती है? भैया कोर्ट ऑफ सेशन की अपील हाई कोर्ट के पास जाती है। हाँ जी,
कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट के पास जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हाई कोर्ट. सो इस पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आपको भारद्वाज लॉ एकेडमी की टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. टेस्ट ऐप प्लस पीडीएफ दोनों में कंडक्ट कराए जा रहे हैं. फीस है जिसकी 999. ये टेस्ट आपको पीडीएफ प्लस ऐप दोनों में है. पीडीएफ जो है आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं. ऐप पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलता है जल्द नेक्स्ट वीडियो पर. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए साथ.